चाहिए। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी आप कहते हो कि हमें भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए, भगवान को भोग अर्पण करके खाना चाहिए। तो ठीक है आप कहते हो कि भोग लगाना चाहिए, लेकिन भगवान खाते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि हाँ भगवान तो खाते हैं। तो लोग जो है बुद्धिमान है, तुरंत प्रश्न करते हैं कि जब वो भगवान खाते हैं तो फिर कम क्यों नहीं होता है? तब हमारे संत लोग कहते हैं कि देखिए भगवान खाए ना तो कम नहीं होता है, भगवान खाए तो बढ़ता है, कम नहीं होता है। और भगवान खाए तो कभी कम नहीं होता है, उनका पेट भर जाता है लेकिन भोजन कम नहीं होता है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे संसार का भौरा फूल पर बैठ करके, फूल का रस चूस करके अपना पेट भर लेता है, लेकिन फिर भी उस फूल के वजन और आकार में कोई कमी नहीं आती है। तो जैसे भौरा जो है फूल पर बैठ करके, फूल का रस चूस करके अपना पेट भर लेता है, फिर भी उसके आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार भक्त के द्वारा अर्पित किए गए भोग को भगवान खा लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी उस भोग के आकार और वजन में कोई कमी नहीं आती। जब संसार का साधारण भौरा भी इस तरीके से खा सकता है तो फिर कि भोजन कम ना हो, वो फूल का आकार और वजन में कोई कमी ना आए, तो फिर भगवान इस तरीके से क्यों नहीं खा सकते? खाते हैं भगवान, भगवान खाते हैं। इसीलिए हमें जो है जो भी खाते हैं उसे भोग लगा कर खाना चाहिए। आज जो है जब हम लोगों को कहते हैं कि आप भगवान को भोग लगा कर खाइए, तो लोग जो है तर्क करते हैं, कहते हैं अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं भी ब्रह्म तू भी ब्रह्म, ब्रह्म पे ब्रह्म को कैसे चढ़ाऊं मैं। लोग तर्क करते हैं कि मैं भगवान को क्या चढ़ाऊं, क्योंकि फूल को तो भौरे ने जूठा कर दिया, दूध को तो बछड़े ने जूठा कर दिया, पानी को तो मछली ने जूठा कर दिया, फल को तो पक्षियों ने जूठा कर दिया, फिर हम जूठी वस्तु भगवान को कैसे चढ़ाएं? भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे ऐसे आलसी लोग होंगे जो इस तरह का बहाना बना करके मेरी सेवा से दूर भागेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण को गीता में अगर कुछ मांगना हुआ तो मांगा भी तो भगवान ने यही मांगा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भले ही पानी को मछली ने जूठा किया, वो जूठा पानी ही मुझे दो, भले ही फल को पक्षी ने जूठा किया, वो जूठा फल ही मुझे दो, भले ही दूध को बछड़े ने जूठा कर दिया, वो जूठा दूध ही मुझे दो, भले ही फूल को भौरे ने जूठा कर दिया है, वह जूठा फूल ही मुझे दो, मैं स्वीकार करूंगा। भगवान जानते थे कलयुग में ऐसे आलसी लोग होंगे जो ऐसी ऐसी बहाना बना करके सेवा से दूर भागेंगे। इसीलिए भगवान को मांगना भी हुआ तो यही मांगा, भले ही जूठा है मुझे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, मुझे दीजिए। तो कहने का भाव यह है कि हम जो भी खाते हैं उसे भगवान को भोग लगाकर खाना